भारतवर्ष की विश्व को एक बहुत बड़ी देन है और मेरी समझ से वो देन है सन्यास। पूरे विश्व ने ज्ञान के माध्यम से मनुष्य के कल्याण की विधियां बताई, मनुष्य के कल्याण को बढ़ावा दिया, लेकिन सन्यास की परंपरा जो भारतवर्ष में हुई वो एक अनूठी और अनोखी विधि है। सन्यास मतलब क्या? हम अनुमान सोचते हैं कि सन्यास मतलब कि घर बार छोड़ के एक वस्त्र धारण करके हिमालय में बैठ जाना। नहीं नहीं नहीं, सन्यास मतलब कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं इस संसार को, इस समाज को देने के लिए तत्पर हूँ। मेरा रोम रोम, मेरा कण कण, मैं उस संसार को देने के लिए तत्पर हूँ। सन्यास का इतना मतलब है। पर लेकिन बहुत सी चीज़ें, बहुत से शब्द जो होते हैं वो चलते चलते विकृत हो जाते हैं, तो हमने सन्यास को बहुत ही एक बुरे रूप में ले लिया कि हमें बिल्कुल सब चीज़ को त्याग देना है, करना नहीं है। नहीं, सन्यास मतलब जो अब मैं असुरक्षा की भावना में जी सकता हूँ और मेरा अधिकार अब किसी पे नहीं है। ये एक बहुत ही एक अनूठी एक बात है। जीवन में हम सब सुरक्षा ही खोजते हैं, चाहे वो आदमी पैसे से सुरक्षा हो, चाहे संबंधों में सुरक्षा खोजता हो, चाहे समाज से सुरक्षा खोजता हो, पर अंतर्गतवा सुरक्षा उसको कहीं पे मिलती नहीं है और यही एक दुख का कारण है। तो इस समझ को समझ लेना, एक सन्यासी समझ लेता है इस सत्य को कि मेरे को सुख कभी दूसरे से, सुरक्षा दूसरे से नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती। सुरक्षा मेरे प्रभु से मिलेगी, प्रकृति से मिलेगी। इसलिए वो असुरक्षा की भावना में जीना सीखता है और जो असुरक्षा की भावना में जीना सीख लेता है वही सुरक्षित हो जाता है। दूसरा, वो कभी किसी पे अधिकार नहीं जमाता है। उदाहरण मैं आपको दूँ, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पैसा, नहीं ऐसा नहीं। तो एक सन्यासी समाज के सभी रोल को 100% पूर्ण करता है, लेकिन मन में ये भाव रहता ही है कि मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, मेरी सुरक्षा मात्र एक प्रभु है। अच्छा, इसमें फिर ये भी देखना चाहिए कि भाई ठीक है, समाज का है ये, तो क्या करना चाहिए, क्या उद्देश्य है? मेरे समझ से दो उद्देश्य है एक सन्यासी के, एक भगवत प्राप्ति और एक समाज की सेवा। ये दो उद्देश्य सन्यासी लेके चलता है, क्योंकि अब उसको समाज से कुछ नहीं चाहिए, अब वो देने के लिए तत्पर है और भगवत प्राप्ति उसका अंतिम लक्ष्य होता है। तो ये बहुत ही एक अनूठी विधि है सन्यास। सन्यास मतलब इस जीवन से कुछ नहीं, इस जीवन के परे जो सत्य है उसकी खोज में अपना जीवन बिताना है। तो ये एक बहुत इस देश की, चाहे वो गौतम बुद्ध हों, महावीर हों, शंकराचार्य जी हों, इन सब ने जो ये सन्यास की एक परंपरा शुरू करी, ये बहुत अनूठी है। और हाँ, इसमें एक और बात भी है। अब हम सोचते हैं कि मनु आदि कहते हैं कि भाई चार वर्ण हैं, ग्रह के लास्ट में सन्यास है, वो भी अपनी जगह, वो भी ठीक है। हमारी मान्यता ये भी रही है, जब भगवत प्राप्ति में निकलना है या इतने बड़ी खोज में है, तो क्यों ना हम उसको हम युवा अवस्था में ही शुरू करें, क्योंकि युवा अवस्था में हमारे पास शक्ति का संचार जाता है, शक्ति का संग्रह ज़्यादा है, तो हम क्यों ना उसको समाज की सेवा में लगाएं, क्यों ना भगवत प्राप्ति में करें। हमारे ऋषि मुनियों ने ये सोचा कि अगर सन्यास युवा अवस्था में ही लिया जाए तो एक बेहतर है। तो सन्यास कोई घर ऐसा नहीं कि कोई सन्यासी है तो वो कोई हिमालय में रहता है या कोई आश्रम में रहता है। मैंने मेरे देखे हुए तो बहुत से लोग घर में भी सन्यासी की तरह रहते हैं और आश्रमों में भी गृहस्थ की तरह रहते हैं। बात यह है कि आप कितना सुरक्षा चाहते हैं। अगर आप आश्रम मठों में भी रहने में बहुत सुरक्षा चाहते हैं, अधिकार रखते हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से एक गृहस्थ का जीवन है। और अगर एक गृहस्थ बिल्कुल असुरक्षा में रहता है, जीवन समाज को हर पल देता है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक सन्यासी है। तो सन्यासी का कहीं गेरुआधारी ऐसा इससे कोई लेना देना मेरी समझ से नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि सन्यास क्या लेना है? नहीं, सबको नहीं, समाज में सब वर्ग चाहिए। सन्यास कोई बाहर वेशभूषा खान पीन से नहीं, ये गौण है, इनका अपनी उपयोगिता है। जैसे आप सन्यासी वस्त्र गिरवा पहनते हैं
तो आप कुछ ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो अनुचित हैं समाज में, समाज के बीच में, उसका अपना है। जैसे अगर अंदर से बीमारी है तो हमें गोली बाहर से ही लेनी पड़ती है। अब कोई कहे कि बीमार तो आप हो, अंदर से बाहर से क्यों ले रहे हो, तो ये कुछ बात बनेगी नहीं। इनकी उपयोगिता है लेकिन ये गौण है। मुख्य बात क्या है, आपकी मन स्थिति कैसी है। आप समाज की सेवा करते हुए अपने मन को शांत रख सकते हैं, समाज में पोषण करते हुए अपनी अपने परिवार का उसमें मान सम्मान में अपने को स्थिर रख सकते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ये बात आप गृहस्थी में भी रह के समाज के बीच में ही कर सकते हैं और करना चाहिए। छोटी सी कथा, बहुत आप लोगों ने शायद सुनी भी हो। एक आदमी अपने संन्यास की को सोच के अपना 30 साल उसने अपना जंगल में गया, 30 साल उसने बिताए और साधना करी, जो जिसने कहा वैसा किया। तो जंगल में हिमालय में सब शांत होता ही है, तो उसने सोचा अब मैं शांत हो गया, 30 साल में मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई क्रोध नहीं किया, राग नहीं, द्वेष नहीं मेरे अंदर। फिर वो उनने कहा चलो अब मैं सही टाइम आ गया, मैं समाज में बीच में उतरता हूँ। तो उन दिनों कुंभ चल रहा था इलाहाबाद में मान लीजिए, तो वहाँ गए तो भीड़, खूब भीड़ होती है कुंभ में, एक के ऊपर एक चढ़ रहा है, ये चढ़ रहा है, तो ये हुआ। तो इन शख्स के ऊपर, साधु के ऊपर भी किसी ने पैर रख दिया। जैसे ही पैर रखा तो इनका क्रोध ऊपर आ गया कि अरे तुझे पता नहीं मैं इतना बड़ा सन्यासी हूँ, 30 साल मैंने ये किया तपस्या की और तू मेरे को कैसे ऐसे धक्का मार सकता है। तो ये एकदम उसको, फिर जब ऐसा उसने क्रोध किया तो तभी उसको ऐसा रियलाइज हुआ, ऐसा आभास हुआ कि अरे मेरी 30 साल की तो साधना व्यर्थ गई, हिमालय में अकेले रह के मैं आज भी क्रोध कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें समाज में रहते हुए अगर हम किसी भी साधना को करें तो हमें ज़्यादा उसका प्रभाव दिखता है कि हम कितने उसमें परिपक्व हुए हैं। ये नहीं कि हम कहीं हिमालय में जाके या किसी कंदरा में बैठ के करें, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। भगवान कृष्ण ने पूरे समाज में रहते हुए पूरे रणभूमि में बीच में गीता का ज्ञान दिया। तो मेरे हिसाब से हमें संन्यास मनस्थिति की एक परिचायक है। कोई अगर संन्यास लेना चाहता है तो बहुत उत्तम है, ये बहुत अच्छा है, उसका स्वागत भी। जय कृष्ण।